बताइए चंद्रिका जी, आपका और मेरा रिश्ता क्या है? रिश्ता है, तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? बस यही नरेन, कि जिस औरत ने आपको फोन मारो दिया, जिसके कमरे से आपकी तस्वीर मिली, वो औरत और कोई नहीं, कोई नहीं, मेरी माँ है, मेरी माँ है। नरेन, नाजायज जी जी नहीं मैं हूं, और यही वो राज है जिसे छिपाने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया था, ताकि बिना किसी को कुछ बताए, बिना अपनी फैमिली का नाम खराब किए मैं चली जाऊं। और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? तुम जानती थी ना कि मुझे सच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही प्यार किया मैंने तुमसे। मैं जानती थी नरेन कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तवाइफ की बेटी को अपने घर की बहू बनाना कोई आसान बात नहीं। शायद इसीलिए मामा जी ने भी ये बात अब तक छुपा कर रखी। तुम ये बात कब से जानती थी? मुझे भी ये बात जीजी के आने के बाद ही पता चली। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं माँ, माँ अब सच छिपाकर कोई फायदा नहीं। तुम अपनी गृहस्थी जला रही हो पूजा, अभी ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अब कोई फायदा नहीं। जो नुकसान होना था हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा गुप्ता जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जवाब भी उन्हें देना होगा। मिस्टर गुप्ता, आप अभी इसी वक्त व्यास पेंशन पहुंचिए। आपको अपने नाजायज होने का बहुत गम है ना? आज से मेरे जायज होने का हर हक आपका, और नाजायज होने की पहचान मेरी। आज से मामा की आप सगी और मैं सौतेली। पर बदले में आप नरेन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तुम्हें सौतेला होने की जिल्लत सहता देखकर मैं एक तो क्या सौ नरेन भूल जाऊं। सो सब ठीक है ना? जीजू ने अचानक सबको बुलाया है, और ये भी कहा कि देहरादून से गुप्ता जी आ रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग? हाँ नीलू, मैं भी यही सोच रही हूँ, इतनी रात को अचानक क्या हुआ होगा? और क्या हुआ होगा, जीजू की लाडली बहू ने फिर से हम सबके खिलाफ उनके कान भरे होंगे, तो बस
जीजू ने हम सबको सुनवाई के लिए इकट्ठा किया है, देख लिया घर की बहू को सर पे चढ़ाने का नतीजा, अब घर की बातों में भी मायके वाले बोलेंगे। टू मच। जी समधी जी, यही सच है, पूजा मेरी बहन की बेटी नहीं है बल्कि वो चंद्रिका का खून है। दरअसल 25 साल पहले मेरी बहन और चंद्रिका दोनों एक साथ पेट से थे। उस वक्त पूजा के पिता ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने चंद्रिका की बेटी को जायज नाम नहीं दिया तो वो मेरी बहन को छोड़ देंगे। इसलिए अपनी बहन की खातिर मैं पूजा को कृष्णपुरी से उठाकर अपने घर ले आया, और नैना जो मेरी बहन की बेटी थी उसे आश्रम में छोड़ दिया। मामा जी, बचपन से जिस दाग का दर्द था आज वो 2 मिनट में मिट गया। और वो दाग बड़ी चालाकी से आपने हमारे नाम हमारी इज्जत पर भर दिया। वाह गुप्ता जी वाह, इतनी बड़ी बात का जिक्र तक नहीं किया आपने हमारे सामने। इतना बड़ा धोखा देते हुए शर्म नहीं आई आपको? क्या सोचा था आपने कि चुपचाप आप कृष्णापुरी का गंदा खून हमारे व्यास खानदान के सर पर भर देंगे? और क्या खूब मड़ा है ताऊ जी। ये पूरी सोसाइटी के सामने हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे, पर बिरादरी जब उन्हें पता चलेगा कि स्वामी जी का सत्कार व्यास खानदान की मंदिर की स्थापना ऐसे हाथों से हुई है तो कहीं इतने सालों की कमाई हुई इज्जत राख पे ना मिल जाता मुझे। राहुल, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूजा किसी की भी बेटी हो अब वो व्यास फैमिली की बहू है, मेरी वाइफ है वो। एक घुंघरू वाली का खून मेरे वंश का हिस्सा नहीं हो सकता नारायण। एक तवायफ के खून ने ही आपके अंश की जान बचाई थी पापा। और रही बात पूजा की, कोई उसके साथ बदतमीजी करके हो देखे मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस डर रही क्योंकि तेरी माँ का खून तुझे नहीं लगा इसलिए तू उनका इतना एहसानमंद हो गया। और तुम्हें तो हम सबने अपनी बेटी की तरह माना था, तब भी तुमने इतना बड़ा सच छुपाया हम सबसे। तुम्हें क्या लगा मेरे बेटे से शादी करके तुम अपना गंदा खून छुपा लोगी? अपनी माँ से पूछकर खून की कीमत बता देना, क्योंकि अब ये रिश्ता नहीं रह सकता। लेकिन माँ, दूर रहो मुझसे, माँ नहीं हूं मैं तुम्हारी। कमाल है माँ, आज सुबह तक पूजा आप सबकी फेवरेट थी और एक सच ने आप सबके ढोंग को बेनकाब कर दिया। पूजा मेरी वाइफ है, अगर आप सबको इस सच से तकलीफ है तो आज से मैं और पूजा आपके इज्जतदार घर में नहीं रहेंगे। आज से मैं पूजा और उसकी मां के साथ रहूंगा। चलो पूजा, जिस घर में तुमसे ज्यादा तुम्हारे खून की इज्जत हो हमें उस घर में नहीं रहना। नरेन मेरी बात तो सुन, नरेन।
पागल हो गई ये लड़की। इस एक झूठ से तेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर ये झूठ नहीं कहा मामा तो नरेन की जिंदगी पलट जाएगी, क्या वो सही होगा? पर इससे तेरा मायका जल जाएगा लड़की। अगर मैंने ये झूठ नहीं बोला तो मेरा ससुराल जल जाएगा मामा। नरेन की पैदाइश की खबर पूरे व्यास फैमिली का नाम खराब कर देगी और समाज और बिरादरी वाले हमारी फैमिली को चैन से जीने नहीं देंगे। मामा, ऊपर से आश्रमों तक ये बात गई कि नरेन ने नाजायज होने के बाद भी स्वामी जी का सत्कार किया, तो कहीं उनकी जान को खतरा ना पड़ जाए। मामा प्लीज, समय बहुत कम है, इससे पहले कि नरेन या पापा सच तक पहुंचे हमें ये करना ही होगा। आपको मां की कसम, ये क्या बचपन है नरेन, इस तरह कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? छोड़ो। मैंने तुम्हारा साथ दिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई। मेरे फैसले रहने का राइट मैंने तुम्हें दिया नहीं है पूजा। नरेन, प्लीज। इतनी अनइंपॉर्टेंट बात छुपाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया, यहां तक कि मुझे भी कुछ नहीं पता। क्या इतना ही भरोसा था अपने प्यार पर? टोन वाली पूछ, मैं तब भी तुम्हारा साथ देता और आज भी तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा प्यार और भरोसा कम नहीं हुआ। आप यहां बैठे हैं, वहां हमारा बेटा घर छोड़ के जाने की तैयारी में है, रोकिए ना उसे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मेरे रोकने से वो रुक जाएगा? अरे पूजा का भूत सवार है उसके सर पर, वो जाएगी तो आपका बेटा भी उसके पीछे पीछे जाएगा। तो फिर दोनों को क्यों नहीं रोकते हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? सोचा भी कैसे आपने? आप चाहती हैं कि मैं उस गली की पैदाइश को अपने घर में रहने दूं, उसे अपने वंश का हिस्सा बनने दूं? इम्पॉसिबल सुप्रिया। फिर चाहे हमारा बेटा ही घर से क्यों ना चला जाए? ठीक है, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है, मेरा बेटा इस घर से कहीं नहीं जाएगा। जीत का जश्न मनाने की इतनी जल्दी? नरेन और पूजा घर छोड़कर जा रहे हैं पर दोबारा नहीं लौटेंगे, इस बात की क्या गारंटी? ये पागल घर वाले अपने बेटे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। अकलमंद हो ये तो पता था, लेकिन इतनी तेज, I must say, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। फिलहाल नरेन और पूजा की जोड़ी तोड़ने के बारे में सोचो, उसी में तुम्हारी असली जीत है। अब जब इतना सब बताया ही है तो तरकीब भी आप ही बता दीजिए। बेवकूफ हो, पर इतने हो गए, नरेन रुक जाइए, कहां जा रहे हैं आप? मैं कृष्णपुरी में ही मिलूंगा तुमसे। अब मां को डांटने का भी हक नहीं, कह दिया मैंने कुछ गुस्से में तो इसका मतलब तू भी गुस्से में घर छोड़ के चला जाएगा? कभी कभी मां से भी गलतियां होती हैं, क्या मां को माफ नहीं कर सकता बेटा? जाकर ले आ पूजा की मां को घर में।
जीजू जीजू सुनिए ना, जरा ये हलवा चक्कर बताइए ना कैसा बना है। इट्स नाइस, पर मिठाई का कारण? अरे जीजू हमारी संधान आ रही है, इससे बड़ा रीजन और क्या हो सकता है। लोग जीजू मैंने तो सू को बहुत समझाया, पर सू कहने लगी कि पूजा की माँ है, अगर अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे तो पूजा बुरा मान जाएगी। सुप्रिया का तो दिमाग खराब हो गया है, मान सम्मान नाम किसी की भी परवाह नहीं रही है उसे, झूठी शान समझती है इन सबको। करने दो जो करना है, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं। मैं नहीं सुप्रिया, अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। वैसे भी अब आपको मेरी जरूरत कहां। सु हलवा टाइम, अपनी समधन को नहीं खिलाओगी? नीलू इतना सब कुछ क्यों, और वो भी उस औरत के लिए? ओफो सु अब जाने भी दो ना, क्या कहते हैं उससे, तफायफ। I mean, उस तफायफ ने इतने महंगे डिनर सेट में इतनी सारी डिशेस कब खाई होंगी। वैसे कब आ रही है तुम्हारी समधन? मुझे नहीं पता। सु माँ, मेहमान घर आए हैं, आरती नहीं करेंगी? पिछली बार आपके हाथ से गिर गया था। वेलकम होम मां। आज से ये भी आपका ही घर है मां। नमस्ते। मैं आंटी का सामान रूम में रखवा देता हूँ। यस व्हाई नॉट, लेट हर हैव ऑल द फन एट आवर एक्सपेंस। I'm sorry. I didn't realize. आपको तो इंग्लिश आती नहीं होगी। माँ चलिए कमरे में चलते हैं। आई भाई ने इस घुंघरू वाली को घर पे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। अब यही औरत भाई और भाभी को अलग करेगी। मेरा ये आइडिया मुझे ही बेच रहे हो? किस प्लान के बारे में बात हो रही है राहुल? अपने काम से काम रखिए बीवी जी, हर बात बच्चों से डिस्कस नहीं की जाती है। हाउ कुड यू डू दिस सुप्रिया,
आपने उस घुंघरू वाली को सीधा हमारे मेंशन के गेस्ट रूम में जगह दे दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे दुनिया वाले थूकेंगे हम पर। Why don't you understand? नहीं समझना मुझे और कुछ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर वो औरत हमारे घर में नहीं आती तो हमारा बेटा वहाँ कृष्णापुरी में उसके साथ जाकर रह रहा होता। और मैं अपने बेटे को खुद से दूर जाने दूं, इतना भी जिगर नहीं है मुझ में। इसलिए अब आप फैसला कर लीजिए, आपको अपना बेटा चाहिए या सिर्फ झूठी शान। इस घुंघरू वाली और उसकी बेटी को मैं व्यास मेंशन में रहने नहीं दूंगा।